Respected students and dear viewers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. With the grace of Almighty Allah, you will be safe and secure in your homes. Stay safe, stay home, take care of yourselves and your nears and dears. So coming to our topic, as you know, we are discussing Mughal Empire, in which we have discussed that Mughals ruled upon India from 1526 up to 1858. The first Mughal ruler, or we can say founder of Mughal Empire in India, was Zahiruddin Muhammad Babur. Zahiruddin Babur tha jisne Mughal Sultanat Hindustan mein shuru ki. Zahiruddin Babur ke talab hai usne hukumat ki 1526 se lekar 1530 tak. After the death of Mughal Empire, Zahiruddin Babur, uske marne ke baad, he was succeeded by his son Humayun, jiska pura naam Nasiruddin Muhammad Humayun tha. He ruled upon India from 1530 up to 1556. 1530 से लेकर 1556 तक हुमायूं ने हिंदुस्तान पर हुकूमत की. मगर जहाँ तक हुमायूं का सवाल है, when he received the empire from his father, he struggled because he faced a lot of revolts, lot of troubles. That is why his पीरियड इज कंसर्न, जहाँ तक उसका दौर हुकूमत देखा जाए, ही वॉज डिवाइडेड इंटू फोर फेजेस. दैट्स फर्स्ट फेज इज टर्म्ड एज स्ट्रगल फेज फ्रॉम 1530 अप टू 1550. 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं ने जो पहले 10 साल निकाले, दैट वॉज फुल ऑफ स्ट्रगल्स, फुल ऑफ रिवोल्ट्स. जो मेन थ्रेट थी हुमायूं को उस दौरान, वो थी मोहम्मद लोधी से, नुसरत शाह से, शेर शाह से, बहादुर शाह से. अगर हम पहला स्ट्रगल देखें, पहले 10 साल, उसमें जो ये बहादुर शाह था वो मालवा में हुकूमत करता था. जब हुमायूं ने हुकूमत एसेंट ढूंढ किया, ही डजंट एक्सेप्ट हिज सॉवरेनिटी एंड ही एसेंट एंड ही एनेक्सेड द मालवा. इसने मालवा पर हुकूमत की. 1531 में इसने मालवा पर एनेक्स किया. ऑल्दो ही वाज डिफीटेड लेट ऑन बाय हुमायूं इन 1534, पर उस दौरान एक काम किया हुमायूं ने. हुमायूं इन 1533 में हुमायूं ने दीनी पनाह एक सिटी कायम की. इंद्रप्रस्थ वहां पर था, उसकी जगह उसने क्या बनाया, दीनी पनाह दहली में एक सिटी. दूसरा जो था, जो मिर्जा ब्रदर्स थे, इन 1531 दे रिवोल्टेड अगेंस्ट हुमायूं. और उसके बाद जो मेन थ्रेट ये दूसरे शेर शाह, ही वाज सुर डायनास्टी, द फाउंडर ऑफ सुर डायनास्टी, हु लेटर ऑन डिफीटेड हुमायूं एंड एक्साइल्ड हिम. वो हम आगे जाकर जब शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे. ही डिफीटेड कंसेक्यूटिवली हुमायूं को उसने दो बार हराया, एक 1539 1539 में, और उसके बाद दूसरा 1540 में, 1540 में एट कन्नौज, जिसको बैटल ऑफ बेलग्राम भी कहा जाता है. इस लड़ाई के बाद, आफ्टर दिस बैटल, जो हुमायूं था, हुमायूं ने कुछ कंडीशंस रखी थी शेरशाह के पास कि आप दिल्ली और आगरा रखो एंड हम पंजाब में हुकूमत करेंगे. बट शेरशाह रिफ्यूज्ड एट वंस, ही डजंट एक्सेप्टेड हिज कंडीशंस. अल्टीमेटली ही फोर्स्ड हुमायूं, उसने हुमायूं को मजबूर कर दिया कि आप हिंदुस्तान छोड़ दो, एंड अल्टीमेटली हुमायूं को एग्जाइल होना पड़ा, हिंदुस्तान से निकलना पड़ा. थोड़ा हम देखेंगे जो हुमायूं है, सो फॉर हुमायूं इज कंसर्न, हुमायूं वॉज बॉर्न इन काबुल. काबुल में उसका जन्म हुआ है 1508 में. 1508 में काबुल में उसका जन्म हुआ है. उसकी माँ का नाम महम बेगम था, महम बेग उसकी माँ का नाम था. जहाँ तक हुमायूं का है, उसके 7 बच्चे थे, 4 बेटे और 3 बेटियाँ. एंड हिस्टोरियंस रिटन दैट उसकी 7 लीगली मैरिड वाइव्स थी, उसकी 7 बीवियाँ थी, 7 में से 3 बीवियाँ थी जिनके बच्चे थे, 7 4 बेटे और 3 बेटियाँ. और हुमायूं के और 4 भाई भी थे. पहला था मीर सुलेमान, जो उस वक्त रूल सूबेदार था बदख्शां का. जब हुमायूं रूलर बना हिंदुस्तान का, हालांकि उस दौरान वो बदख्शां का सूबेदार था, मगर उसकी जगह फिर मीर सुलेमान बना बदख्शां का रूलर. ही बिकेम द सूबेदार ऑफ बदख्शां इन प्लेस ऑफ हुमायूं, बिकॉज हुमायूं एसेडेड थ्री नाउ थूना दिल्ली. दूसरा भाई जिसका नाम था कामरान, वो रूल का, वो ही वाज़ अ सूबेदार ऑफ काबुल एंड कंधार. ये दो भाई जो थे, ये भाई दे वर सूबेदार्स आउट ऑफ इंडिया. जो इनसाइड विद इन इंडिया थे दो और भाई, उनका नाम अस्करी, वो पंजाब का सूबेदार था, एंड हिंदल, वो संबल और अलवर में वो सूबेदार था. ओके, तो यहाँ तक हम कह सकते हैं कि हुमायूं का जो जन्म था वो 1508 में हुआ, उसके और 4 भाई थे. आफ्टर एग्जाइल, जब उसको फोर्स, ये वाज शेर शाह फोर्स्ड हिम टू एग्जाइल फ्रॉम इंडिया, वो
हिंदुस्तान से निकले, लाहौर पहुंचे, लाहौर से वो पहुंचे सिंध, एंड इन सिंध, सिंध में उसको बीरम खान मिला, एंड यू नो बीरम खान वो लेटर बिकेम द ट्यूटर एंड गाइड ऑफ अकबर। अकबर वहां से इन सिंध एट प्लेस ऑफ अमरकोट इन 1542 में, 1542 में जन्म हुआ अकबर का। अमरकोट सिंध में एक जगह है, वहां पर उसका जन्म हुआ। वहां वो लाइफ गुजार रहा था, वॉन्डरिंग, 5 साल जो हमारा था उसकी हार्श लाइफ गुजारनी पड़ी सिंध में। एक जगह से उठना रेगिस्तान में वो घूमते रहे, वहां पर उसको जगह नहीं मिली। अल्टीमेटली राणा विशाल एक आदमी था, उसने उसको ज्यूरिंग दी प्रेगनेंसी ऑफ हर वाइफ उसने उसको वहाँ जगह दी, और फिर वहाँ डिलीवरी भी उसी के घर में हुई। उसकी माँ का नाम, अकबर की माँ का नाम हमीदा बानू बेगम था, हमीदा बानू बेगम था। उनको अकबर का जन्म जो है वो कब हुआ था, 5 अक्टूबर 1543 में। जो हमायूं था, हमायूं फोर्स, सो बीरम खान ने तैयार किया हमायूं को कि आप ईरान जाओ और ईरान का जो बादशाह शाह था उससे मदद ले लो। एंड अल्टीमेटली हमायूं एग्रीड, हमायूं वाया रशिया पहुंच गए ईरान। ईरान में उसने शाह से मदद मांगी, बट शाह हैज डिसाइडेड टू हेल्प इन ऑन कंडीशंस। जो कंडीशन उसने उसके सामने रखी, दे टू कंडीशंस थी। पहली कंडीशन थी दैट आफ्टर असेंडिंग द थ्रोन ऑफ दिल्ली यू विल नॉट इंटरफेयर इन समरकंद, आप समरकंद को छोड़ दोगे। सेकेंडली जो हमायूं था ही वाज स्टॉन्च सुन्नी, वो सुन्नी मुस्लिम था। यू विल चेंज योर सेक्ट और शिया बन जाओगे, क्योंकि एज यू नो जो ईरानियन से दे आर शियाज, और उसने दोनों कंडीशन एक्सेप्ट की। एंड अल्टीमेटली जो ईरान का बादशाह था ही एक्सेप्टेड विद द हेल्प ऑफ ईरानियन सोल्जर्स, ही एंटर्ड काबुल फर्स्ट ऑफ ऑल इन 1545 में ही स्नैच्ड कंधार फ्रॉम अस्करी। कंधार पे उस वक्त अस्करी का, उसका भाई अस्करी हुकूमत कर रहा था, उससे उसने ले लिया। दूसरा इन 1547 में काबुल फ्रॉम कामरान से काबुल हासिल कर लिया। एंड हिंद ड्यूरिंग दैट टाइम, इसके बाद हिंदल जो उसका हेल्पफुल था, इन भाइयों में ओनली हिंदल ही एक भाई था हु वाज वेरी नियर टू हमायूं। बाकी जो भाई उसके था, चाहे मीर सुलेमान था, कामरान था या अस्करी, दे वर जूलियस ऑफ हमायूं। अल्टीमेटली क्या हुआ, हिंदल वाज किल्ड इन 1547 जंग में। सो अस्करी जो था वाज किल्ड व्हेन ही वाज गोइंग टू मक्का। एंड लास्ट दूसरा भाई जो था कामरान वाज ब्लाइंडेड बाय हमायूं हिमसेल्फ, उसकी आंखें निकाल दी उसने। और इसी के साथ और एक अच्छी खबर उसको मिली इन द मीन टाइम दैट शेरशाह वाज डेड एंड एक्सीडेंटल डेथ, उसी दौरान शेरशाह की भी मौत हुई। वो हम आगे जाकर पढ़ेंगे शेरशाह की मौत कैसे हुई। यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एज पर हिस्टोरियंस पर्टिकुलरली लैनपोल से दैट इट वाज अ बिग, ये बहुत बड़ा नुकसान था हिंदुस्तान के लिए दैट शेरशाह डाइड। शेरशाह के अगर हम अचीवमेंट्स उन 4 पॉइंट्स में देखेंगे दैट ही वाज एग्जैक्टली सेम एज अकबर वाज, अकबर के बराबर उसको हुक्मरान समझा जाता था। शेरशाह के मरने के बाद इट पेव्ड द वे आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर्स एंड शेरशाह दैट पेव्ड द वे फॉर हुमायूं टू कैप्चर रिकैप्चर अगेन दिल्ली। एंड अल्टीमेटली इन 1555 ही डिफीटेड द लास्ट सुर रूल दैट इज सिकंदर सुर एट सरहिंद एंड re-entered Delhi in 1555 और 1555 में हमायूं ने फिर हिंदुस्तान पर दिल्ली पर कब्जा किया। बट इट डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, ये ज़्यादा देर नहीं रहा, क्योंकि इन 1556 वाल ही वॉज रीडिंग इन हिज लाइब्रेरी दैट इस, उस लाइब्रेरी का नाम था पंचमहल। उस लाइब्रेरी का नाम क्या था, पंचमहल। ही वॉज tumbling from staircases of library and ultimately died on spot. With this death Humayun's settled life came to an end, uski life khatam ho gayi. Uske marne ke baad uska jo beta Jalaluddin Babur, the most successful ruler of Humayun period, ascended the throne. Uske bare mein hum baad mein padhenge. Jahan tak हमायूं का केस है, लैनपोल उसके बारे में लिखते हैं कि ही टम्बल्ड थ्रू आउट हिज लाइफ एंड टम्बल्ड आउट ऑफ इट।
और सारी जिंदगी जहाँ फ्रॉम 1530 अप टू 1556 ही स्ट्रगल थ्रू आउट हिज लाइफ इन अल्टीमेटली डाइड एन एक्सीडेंटल डेथ। कहा जाता है कि उसके जो ड्रेस कोड्स थे वो डिफरेंट थे, मतलब वो ब्लैक ड्रेस पहनते थे सैटरडे को, येलो ड्रेस वो संडे को पहन